गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड 3E एंड टुडे वी विल डू 3F. ओके, इन 3F देयर आर टू क्वेश्चंस, ओनली टू क्वेश्चंस. इन फर्स्ट क्वेश्चन देयर आर ए टू एन पार्ट्स. ओके, इन सेकंड क्वेश्चन देयर आर ओनली फोर पार्ट्स ए बी सी डी. ओके, तो हम पहले जो सेल्फ प्रैक्टिस 5F का फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके कुछ पार्ट सॉल्व करते हैं एंड देन आफ्टर हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे. ओके, एंड जो रिमेनिंग पार्ट्स हमारे बचेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के, उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हमें होमवर्क में करना है. तो चलिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई. क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई. तो हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि ए पार्ट इसका इट इज़ ऑलरेडी सॉल्व, 9 मल्टीप्लाई 12. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 9 विद 20, तो देन इट्स आंसर विल कम 180. ओके, इसको हम बहुत इजी फॉर्म में कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. सपोज दैट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर है वो अभी हमारे पास नंबर गिवन है 9 मल्टीप्लाई 20. क्या है बच्चों हमारे पास नंबर? 9 मल्टीप्लाई 20. इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, जब जीरो वाले ऐसे नंबर आते हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ, 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे. 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, इट मीन्स 9 के टेबल को 2 टाइम्स रीड करेंगे. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, हमारा 18 आ गया. उसके बाद जितने जीरोज हमारे पास हैं उतने जीरो हम प्लेस कर देंगे. वी हैव ओनली 10, तो 10 हमने प्लेस कर दिया. ओके, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया. ये इसका क्या हो गया बच्चों? मल्टीप्लीकेशन. 9 मल्टीप्लाई 20 का आंसर आएगा 180. देखिए, इट्स आंसर इज राइट. एंड सेम एज वी कैन डू बी पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज 8 मल्टीप्लाई 30. हम 8 मल्टीप्लाई 30 को 8 3 जा 8 की टेबल की स्टडी करिए. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24. 24 इनको मल्टीप्लाई करने पर आ गया. नाउ हमारे पास कितने जीरोज हैं? वी हैव 10, तो वी विल प्लेस 10 आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सपोज डेट ये तो 110 वाले हैं, मैं इसका जे पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ. जे पार्ट में 9 3 जा 27 हो जाएगा. 27 के बाद हमारे पास कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज है, हमने 2 जीरोज प्लेस कर दिए. एंड इसका मैं एक और पार्ट जो है आपको एल पार्ट करके दिखाता हूँ. एल पार्ट में 3 2 जा 6 हो गया. 2 जीरोज इधर है, 10 इधर है, तो हमारे टोटल कितने जीरोज हो गए? 3 जीरोज. तो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 30 बाय 200, इट्स आंसर विल कम 6000. ऐसे ही जो 4 डिजिट वाले हैं, पहले 112 की 1 से 12 1 जा 12 और फिर 12 की 4 से करेंगे और हम फिर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. 12 4 जा 48 हो जाएगा हमारा. 48, 10 ये, 10 ये, तो 2 जीरोज हम प्लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 4800. ओके, तो ऐसे हम जीरोज वाले जो होते हैं उन नंबर्स का हम प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ईजिली फाइंड कर सकते हैं. ओके, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन. द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. फर्स्ट क्वेश्चन इज आई स्पूल हैज 25 मीटर ऑफ रिवन ऑन इट. वॉट इज द लेंथ ऑफ रिवन इन सेंटीमीटर. हमें जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है. वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट्स? 100 सेंटीमीटर. तो सो 25 मीटर्स रिवन में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? तो सिंपली हम क्या करेंगे, 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में फाइंड आउट हो जाएगा. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आएगा एंड हमारे पास 2 जीरोज है, तो 2 जीरोज हम प्लेस कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर. इट मीन्स 2500 सेंटीमीटर्स. ओके, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में रवि हैज 46 10 रुपीज़ नोट. रवि के पास 46 10 रुपीज़ के नोट्स हैं. हाउ मैनी मनी डज ही हैव. उसके पास कितना मनी है हमें ये बताना है. 46 रुपीज़ है, 46
उसके पास नोट्स है, कितने रुपीस के हो चो 10 रुपीस के, तो 46 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 460. 46 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 46 10 है तो 10 मनी दैट ही हैज, उसके पास कितना मनी है बच्चों, 460 रुपीस. ओके, ऐसे ही हम थर्ड पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं. 33 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, एंड देन आफ्टर टोटल वेट जो होगा वो इसका मल्टीप्लीकेशन ही होगा. आप इसको मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर लीजिएगा. ऐसे ही फोर्थ पार्ट में 70 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7000. 30 की 5 से करेंगे, 3 5 15 100. ओके, 45 2 जा 90 900. इन सबको हमें टोटल करना है तो 7000 और 8500 और 900 हम इनको प्लस कर देंगे तो हमारा ये 24000 हमारा ये शायद फाइंड आउट हो जाएगा. आप इनको ऐड कर लीजिएगा, जो हमारा टोटल अमाउंट होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे और टोटल अमाउंट जो फ़ोन के लिए वो पेड करेगा. इन सबको ऐड करने पे जो हमारी वैल्यूज़ है, चलिए मैं इसको ऐड करके दिखा देता हूँ आपको. जब हम ऐड करेंगे 7000 और 1500, ओके, एंड देन आफ्टर 900, 9400 वो शॉपकीपर को, मोबाइल वाले को वो पेड करेंगे. ओके, तो ये बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन था सेल्फ प्रैक्टिस 5F का. हम अपने नेक्स्ट क्लास में सेल्फ प्रैक्टिस 5G कंप्लीट करेंगे. ओके, 5G हम इसमें कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कि ऑन द पेज नंबर 80 देर आर टेबल्स ऑफ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आई थिंक सो कि आप लोगों को 20 तक टेबल्स लर्न है, अदरवाइज आपको लर्न नहीं है तो आपको बच्चों 20 तक लेवल और टेबल लर्न होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, इट इज़ मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको वो टेबल्स लर्न होनी चाहिए. बिकॉज आप 5C में देखेंगे तो 18 की मल्टीप्लाई 6, इट मीन्स 18 के टेबल को 6 टाइम रीड करना है, 16 के टेबल को 7 टाइम रीड करना है, 13 के टेबल को 9 टाइम रीड करना है. इट मीन्स हमें कि इस एक्सरसाइज को हमें कंप्लीट करने के लिए हमें ये टेबल्स जो है टिल 20 हमें टेबल्स याद होने चाहिए. ओके, आई होप आप सभी नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी उस क्लास में आप सभी को टेबल लर्न होनी चाहिए. अंडरस्टूड? आपको लर्न नहीं है तो लर्न कर लीजिए, लर्न है तो बहुत अच्छी बात है. ओके, और आज का जो हमारा होमवर्क है सेल्फ प्रैक्टिस 5F, एंड ये टेबल्स जो हैं 13 आप 12 से लिख लीजिएगा, 12 से 20 तक टेबल्स भी आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करनी है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास.